दोस्तों, अगर आपको कॉलेज बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आज का ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने गया हूँ एक गूगल का एक ऐसा शानदार एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन से आप अपने फ़ोटोज़ का कॉलेज बना सकते हैं। दोस्तों, आप उस कॉलेज मेकर से बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना समय के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर आ जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर सर्च करना है कॉलेज मेकर। तो जब आप कॉलेज मेकर यहाँ पे सर्च करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं कॉलेज मेकर के। सभी एप्लीकेशन अच्छे हैं, बट मैं आपको प्रिफेयर करता हूँ ये वाला एप्लीकेशन जो कि है कॉलेज मेकर, जो कि अप्रॉक्स है अपना ये 8.8 MB का। ये आप दोस्तों यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हैं। जैसे लोगो देखने के बाद आप इसका जो है इसकी फाइल साइज़ वगैरह देख सकते हैं। 8.8 MB का जो है अपना एप्लीकेशन है, छोटा सा एप्लीकेशन। 1.1 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है और 4.7 की शानदार स्टार रेटिंग है। तो चलिए इसको अपन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करके अपन इंस्टॉल करके मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। दोस्तों, 8.8 MB का जो छोटा सा एप्लीकेशन है, तो इतना बड़ा एप्लीकेशन है ज़्यादा टाइम देगा भी नहीं अपने इंस्टॉल होने में और पूरा सेटअप करने में। जब आप दोस्तों इसको देख सकते हैं, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप जियो वगैरह यूज़ करें तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें बाकी के रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लेआउट्स हैं और 100 फ्री लेआउट्स इसको ये प्रोवाइड कराता है। आपको फ्री स्टाइल आप लेआउट्स बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको जल्दी से इंस्टॉल करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आप इसका कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, ग्रिड, एडिट और फ्री स्टाइल या फिर ये मल्टीफेड। तो आपको पहले वाले ऑप्शन जो कि ग्रिड है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी रीसेंट फोटोज़ देख सकते हैं। रीसेंट फोटो में देखने में दोस्तों, अगर आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे फिल्टर्स कर सकते हैं फोटोज़ में। मान लीजिए जैसे आपको व्हाट्सएप की इमेजेस लेनी है तो व्हाट्सएप की इमेजेस में आ जाइए। व्हाट्सएप की इमेजेस में आने दोस्तों यहाँ पे आप कुछ इमेजेस देव वगैरह देख सकते हैं। तो चलिए कॉलेज बना लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ और आपको यहाँ पे 3-4 फोटोज़ वगैरह चूज़ कर लेनी है दोस्तों, जो भी आपको लगता है कि जो फोटोज़ यहाँ पे सही रहेगी। तो यहाँ पे आपको 3-4 फोटोज चूज़ करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप नीचे ये ऑप्शन देख सकते हैं। ये है, ये बेसिकली ये जो ऑप्शन है आपके ग्रिड लेआउट है, तो यहाँ पे आप अपना लेआउट चूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर मैंने ये वाला लेआउट चूज़ किया तो इस तरह से हो जाएगा, और मैंने अगर ये वाला लेआउट चूज़ किया इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लेआउट है जो कि आप ग्रिड के लेआउट है जो कि आप चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये थोड़ा ठीक लग रहा है तो ये ले सकते हैं। अभी हम अपने दोस्तों की फोटोज़ ले सकते हैं, जो भी फोटो जो भी आप जिसका भी कॉलेज बनाना है वो फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप बॉर्डर के ऑप्शन भी देखते हैं। यहाँ पे आप बॉर्डर बढ़ा घटा सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो थोड़ा स्पेसेस है वो बढ़ जाएगा। नीचे आप यहाँ पे रेडियस के ऑप्शन भी देख सकते हैं। रेडियस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपका कॉलेज जो है थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। तो चलिए इसको ऐसा छोड़ देते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन भी है दोस्तों, जिसमें आप अपना बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बैकग्राउंड के कलर्स वगैरह चेंज करना है या कुछ क्रीम कलर लगाना है या ब्लैक कलर लगाना है, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड के ऑप्शन जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको राइट कर लेते हैं। राइट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेआउट वगैरह सेट करने के बाद, बॉर्डर सेट करने के बाद आपको लगता है कि ये जो अपना जो कॉलेज है वो पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से सेटअप हो चुका है, तो यहाँ पे आप राइट का जो साइन है, ये साइन है यहाँ पे, इस पर क्लिक करने के बाद इसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर जो सेव वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं इसको। आप इसको व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर करना है, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं, या अगर आपको अपनी गैलरी में ही सेव करना है तो आपको यहाँ पे ये जो कलर है, ये जो बटन है क्रीम कलर का, इस पर क्लिक करके आप अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो चलिए अपना जो कॉलेज है वो सेव हो चुका है। हमें होम पे आने के बाद आपको बता देता हूँ कि अपना कॉलेज कैसा बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलेज में एक नया फोल्डर बन चुका है। कॉलेज में जरा फोल्डर बनने के बाद यहाँ पे आप इसको ओपन करके आप देख सकते हैं कि आपका कॉलेज कैसे बना हुआ है। यहाँ पे हमने रेडियस लगाया था तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है रेडियस आ चुका है। यहाँ पे रेडियस लगाने के बाद बाकी के ऑप्शंस वगैरह आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों एक पहले वाला कॉलेज जो मैंने बताया था, और जिसमें मैंने स्माइली वगैरह लगाया था और ये सब लगाया था। तो दोस्तों ये छोटा सा एक एप्लीकेशन है कॉलेज मेकर का, आप इसका लोगो अच्छे से देख सकते हैं। और ये एप्लीकेशन जो है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सिंपल है, इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है, छोटा सा एप्लीकेशन है 8.8 MB का। तो ये अगर आप कॉलेज बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला एप्लीकेशन यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हमारे प्लीज़ चैनल को टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नया नया चैनल है, आपकी अगर मदद करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते हैं हर महादेव, शंभो।